सुनने में आया कि राखी सावंत उम्रा के लिए गई हैं। मैं और मेरे सभी फैंस, चाहने वाले, शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं। मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे अल्लाह से हमारे देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस देश से गरीबी मिट जाए, देश में सिर्फ विकास हो, विकास ही विकास हो हर तरफ से। अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए जा सकता है? नहीं। और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है? उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फातिमा है या राखी सावंत है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्रा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है, तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा हैं। जी सुनना तो पड़ेगा। 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राश्री, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियन का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला, मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी। आप देख सकते हैं, इन तमाम ईमेल, दिस मैसेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ओके, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं, साइबर सेल, सीएम ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं, यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं। और मैंने ये लिखा कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया। और मैंने कहा कि सर, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी। आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम, 2:31 AM, और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी दस्तखत करके।
देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया। आप एवे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्ज़ाम या कोई भी इल्ज़ाम हो। तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ, क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। अवार्ड ले लेते। अच्छा ठीक है, अवार्ड लेकर मैं आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं मैसूर गई थी राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने। कैसे उसने मुझको मजबूर किया था, वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी। तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो, तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा, भाई बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूँ नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फोटोज़ वीडियोज़ दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके, तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूँ, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, ये बहन बहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे। तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ, क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूँ, मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया, धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ, तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी, तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, लेकिन वापस आने के बाद राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद जी।